नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव न्यूज। मैं सुरभि आनंद। महाराष्ट्र में 9 दिनों तक चले सियासी घमासान के बाद गुरुवार को शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने जहां मुख्यमंत्री पद, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद को संभाला, उसके बाद से ही शिंदे पे मानो जिम्मेदारियों का भार आ गया है। जी हाँ, उनके सामने चुनौतियाँ भी बरकरार है। दरअसल 3 जुलाई से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। विधानसभा के इस सत्र में शिवसेना के बागी गुट नेता भी पहुंचेंगे। इस दौरान उद्धव और शिंदे गुट के दावे भी साफ हो जाएंगे कि कितने विधायकों को किस गुट का समर्थन प्राप्त होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देर रात गोवा के ताज होटल पहुंचे, जहां शिवसेना के बागी गुट के सभी विधायक मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिंदे आज दोपहर बाद बागी गुट के विधायकों के साथ मुंबई लौटेंगे। जानकारी के मुताबिक गोवा के होटल में ही आज शिवसेना के बागी गुट के विधायकों की भी बैठक होनी है। बैठक के बाद बागी गुट के प्रवक्ता दीपक केसकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके साथ ही सभी विधायक और सीएम शिंदे मुंबई के लिए भी रवाना हो जाएंगे। तो किस तरह से महाराष्ट्र के सियासी में घमासान मचा हुआ था, उसके बाद हुई सत्ता की पलटवार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन पर जिम्मेदारियों का दौर जारी है। ऐसे ही राजनीति की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव न्यूज। धन्यवाद।